आज की वीडियो में आपको उर्फी जवेद और चेतन भगत की कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि उर्फी जवेद जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, वो अपनी फैशन और ड्रेसिंग सेंस की वजह से चर्चा में रहती हैं। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं और कुछ लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं उनके ड्रेसिंग सेंस की वजह से, बट वो चर्चा में रहती हैं। तो रिसेंटली चेतन भगत जो कि एक फंक्शन पर गए थे, तो उन्होंने उर्फी जवेद के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद उर्फी जवेद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। चेतन भगत जो कि एक फंक्शन पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि लिटरेचर लोगों के दिलों से इंटरेस्ट खोता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि उर्फी जवेद जैसे कुछ लड़कियाँ जो कि अपनी यूथ को ख़राब करने पर तुली हुई हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस ही देख लें जिससे जो यूथ ख़राब हो रही है और लिटरेचर में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ही कम हो रहा है, लोग कम पढ़ते हैं बुक्स और इसी वजह से ही, क्योंकि उर्फी जवेद जैसी कुछ लड़कियां जो कि आ गई हैं सोशल मीडिया पर। तो उर्फी जवेद जो भी उन पर कोई ट्रोल करता है, जो उन्हें कुछ कहता है, तो उसका वो मुंह तोड़ जवाब देती हैं। तो उन्होंने चेतन भगत का भी जवाब देते हुए कहा कि वो एक फंक्शन पर गए थे, उन्हें उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी, वो वहाँ पर लिटरेचर के बारे में बात करें ना कि मेरे बारे में, मेरा वहाँ पर कुछ लिंक ही नहीं था, उन्होंने मेरे बारे में ऐसी ही बात की तो ये गलत है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें भी सुनाई चेतन भगत को, तो अपनी कम उम्र लड़की से वो चैट क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ चैट भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की और कहा, तो लोगों ने चेतन भगत को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जो कि वो चैट्स दिखाने वाली नहीं थी, वो बहुत ही गलत चैट थी, तो इस वजह से चेतन भगत की काफ़ी ज़्यादा हुई। What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है। Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, छुप छुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं। अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो, आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी, ना आपके बच्चे खराब हो रहे थे, तब हैं ये सब हरकतें करके। बट उर्फी जवेद अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें।